हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ की एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं अब हम। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि द लिथोस्फेरिक प्लेट इज़ द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इंटू नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी कि जो लिथोस्फेयर होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, तो हम उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, और क्या होता है जब वो, आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि वो हर साल मतलब इतना इतना हिलते हैं, इतना इतना हिलते हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मगमा इन साइड दैट। यानी कि जब भी वो हिलते हैं, वैसे तो वो नहीं हिलते अगर मोल्टन मगमा नहीं होता, बट मोल्टन मगमा भी ज़रूरी है प्लेट्स को हल्का हल्का मूव करने के लिए। जैसे ये देखिए, मोल्टन मगमा क्या करेगा, धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, ठीक है, जो अर्थ के अंदर। उसके बाद उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी जो है मूव हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, वाई डू प्लेट्स मूव का आंसर होगा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मगमा इन साइड द अर्थ। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ आंसर वन लिख दोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए, यहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। यानी कि यहाँ पर आपको मैं अभी 3.1 फिगर भी समझाने वाली हूँ अभी इसके आंसर को समझाने के बाद। द फोर्सेस विच एक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो फोर्सेस अर्थ के अंदर काम करती हैं, अपना एक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस जो अर्थ के सर्फेस पर काम करती हैं, वो क्या होती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी अर्थ के बाहर काम करने वाली, एक्ट करने वाली फोर्सेस। के लिए आपको यहाँ पे फिगर 3.1 में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे अर्थ मूवमेंट के बारे में और कुछ भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अर्थ मूवमेंट क्यों होती है, दो फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, यानी जो अर्थ के अंदर काम करती हैं फोर्सेस, उनमें क्या होता है, सडन फोर्सेस एंड डायट्रोपिक फोर्स। यानी कि जो बहुत जल्दी हो जाने वाली और बहुत धीरे धीरे होने वाली। ठीक है, सडन फोर्सेस में पहले नंबर पे आप क्या दिखोगे, अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन एंड लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक भी बहुत जल्दी आ जाता है, वॉल्केनो भी बहुत जल्दी इरप्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लैंडस्लाइड्स भी है, जो पहाड़ से पत्थर गिरने लग जाते हैं, वो भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, सडन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डायट्रोपिक फोर्सेस क्या होती हैं, ये देखिए आप, वो जो धीरे धीरे होती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग माउंटेंस। ठीक है, बिल्डिंग माउंटेंस कैसे, अब जो पहाड़ एकदम से ज़मीन के अंदर से, एकदम से नहीं, धीरे धीरे जो ज़मीन के अंदर से निकलने लग जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अभी सो रहे हो, अब उठोगे तो आप देखोगे अरे पहाड़, यहाँ तो पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। कम से कम माउंटेन को भी बिल्ड होने में 2 to 3 years या 4 to 5 years ज़रूर लग जाएंगे माउंटेन को भी एक तरह से बिल्ड होने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्सोजेनिक फोर्सेस में आप क्या देखोगे, यानी कि जो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं, उसमें क्या होगा, इरोशनल एंड डिपोजिशनल फॉर्म। यानी कि इरोशनल मतलब जो खुद भी बहेंगी, डिपोजिशनल मतलब दूसरी चीज़ों को भी बह के दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। जैसे अब रिवर है, वो बह रही है और वो किसी चीज़ को उठा लेगी और वो फिर बहेगी वो किसी चीज़ को दोबारा वहीं छोड़ देगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे और भी कुछ एजेंट्स दिए गए हैं, जैसे रिवर, वाइंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। यही जो एजेंट्स हैं, यही क्या काम करते हैं, इरोशनल डिपोजिशनल फॉर्म का, यानी कि बहेंगे किसी जगह से एक चीज़ उठाएंगे और फिर उसे कहीं और डिपॉजिट कर देंगे जाके। ठीक है, अब यहाँ रिवर भी, ये देखो रिवर बहेगी, दूसरी जगह छोड़ देगी। वाइंड भी उड़ेगी, ठीक है, दूसरों के कपड़े उड़ा के दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। पेड़ों के पत्ते उड़ा के कहाँ, दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। सी वेव्स भी यहीं करेंगी, लहरें जो होती हैं वो भी यहीं करेंगी, ग्लेशियर्स भी यहीं करेंगे, अब उनमें से कुछ सेडिमेंट्स उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद उन्हें कहीं और डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, फिगर 3.1 भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरोजन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इरोजन इज़ वेयरिंग अवे
ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर वाइन एंड आइस. जैसे मैंने आपको अभी फिगर 3.1 में समझाया था इरोजन एंड डिपोजिशनल फॉर्म में, यहाँ पे एक इरोजन का पूछा गया है. देखिए जो अपने अंदर कुछ सेडिमेंट्स ले लेते हैं लैंडस्केप के, उसके बाद उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं किनके थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू. ठीक है, उनके एजेंट्स क्या होते हैं, वाटर वाइन एंड आइस. ठीक है, वाटर भी जैसे मैंने आपको बताया, वाटर कहाँ होता है, रिवर में होता है, वो भी ले जाता है, वाइन भी ले जाती है और आइस भी यही काम करती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ आर फूड प्लेन्स फॉर्म्ड. ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, व्हेन रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स इट फ्लोज ऑफ इट्स नेबरिंग एरिया विच डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स. अलॉन्ग इट्स बैंक इट डज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लूड प्लेन. अब जैसे कि यहाँ देखिए आप, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ. यानी कि इस आंसर में कह रहा है, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर अगर एक रिवर है, एक तरह की रिवर है जो नीचे से बहती है, ठीक है, और अगर उसने अपने बैंक को यानी उसके किनारे को ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है, और अपने जो आसपास के एरिया से कुछ भी चीज़ें उठाकर, छोटे छोटे मटेरियल्स या सॉइल के सेडिमेंट्स उठाकर, अच्छी अच्छी सॉइल्स के, उसके बाद अपने बैंक से उठाकर अगर वो जाती है कहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूड प्लेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सैंड ड्यून्स. देखिए यहाँ पर, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, यहाँ से नहीं, आप ऐसे कीजिए, आप यहाँ से कीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ. व्हेन तो नहीं होगा, यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो आप कीजिए, दा लिखिएगा यहाँ, दा लोहिल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ दीस सैंड ड्यून्स. ऐसा नहीं करना है, देखिए ऐसे भी नहीं करना है कि आप यहाँ पर लो हिल से लेके शुरू हो जाओ और बिल्कुल ही यहाँ पर. देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई गया है, फिगर 3.9, सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जैसे कभी भी बहुत तेज़ी सी हवा चल रही है, बहुत तेज़ी से, जहाँ पर बहुत, जैसे रेगिस्तान में, उसके वहाँ क्या होते हैं, रेत जो है कितना हल्का होता है, हवा से ही उड़ जाता है. ठीक है, तो वो उड़ के कहाँ जाएगा, दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा. और जब जो है हवा रुक जाएगी तो क्या बन जाएंगे हमारे, सैंड ड्यून्स. ठीक है, एक तरह से हम यहीं से लिख लीजिए, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो ये पूछ रहा है अब, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. अब एक तरह से मैं आपको ये पूरा सी वेव्स का जो वर्क ऑफ सी वेव्स है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ. देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिया हुआ है. तो जब भी अगर एक पानी है तो वहाँ एक चट्टान होगी, तो उसको एक तरह के मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा वो. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो उस चट्टान में छोटा सा ना छेद हो जाएगा, जो लहरें टकराती रहती है ना उनकी वजह से ना छेद हो जाएगा, यहाँ टकराएंगी जोर से. ठीक है, तो छेद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएंगी, वो सी के हो जाएंगी. ठीक है, एक उसके अंदर एक छोटी सी गुफा बन जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और टकराएंगी और दोनों तरफ से टकराएंगी, तो ना दूसरी तरफ भी एक छोटी सी गुफा बन जाएगी और जो आर पार होता रहेगा जिससे पानी. ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सी आर्चेस. बट जहाँ केव बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सी केव. और जब लहरें बहुत तेज़ ऊपर उछल के टकराती हैं तो वो इतना हिस्सा काट देती है, और जो बचता है यानी कि इतना हिस्सा जो बचता है यहाँ पर दिखाया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक. ठीक है, स्टैक बोलते हैं. उसके बाद हम इसे तीन तरह के होते हैं. उसके बाद जब स्टैक जो होता है, उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स जब पानी में बह के एक तरफ से रेत से बह के एक तरफ किनारे को बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीच. जहाँ पर बहुत सारा रेत होता है, वो क्या होता है, एक चट्टान का जो है चूरा चूरा से होता है. ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स. सो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लोब कट्स फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक. यानी कि जब यहाँ पर देखिए बैंक को ओवरफ्लो कर गई है ये रिवर, अब ये कहाँ जाएगी, एक खाली जगह पर
ऐसे बहने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद बहती बहती सबसे पहले तो टेढ़ी मेढ़ी बहेगी, उसके बाद जाके सीधी बहेगी, ठीक है, जब क्योंकि वो अभी ओवरफ्लो कर चुकी है, अभी 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 जल्दी नहीं हुआ है उसको। उसके बाद ये ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा वो अपना काट देगी, ठीक है, यहाँ पर वो सीधी होती जाएगी ना धीरे धीरे, तो अपने आप को छोटा और पतला करती जाएगी, तो इतना हिस्सा वो कम से कम अपना काट देगी, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बन जाएगी, एक ऑक्स बो लेक, जैसे कि यहाँ पर आपको एक फिगर में दिया भी हुआ, जैसे रिवर बहती है बहती है, उसके बाद अपना कुछ हिस्सा वो काट देती है, वो दूसरी तरफ से बहना शुरू हो जाती है दूसरी लेक्स के साथ, ठीक है। वो धीरे धीरे अपने आप को सीधा करती है, यानी कि जो अब उसका दूसरा छोटा सा पार्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं ख़त्म, और अब हम आए टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। सो यहाँ पे विच इज़ नॉट एन इरोशनल फीचर ऑफ सी वेव्स, क्लिफ, बीच और सी वेव, सी केव। तो हमारा बीच ही होएगा, क्योंकि जो हमारे क्लिफ होते हैं वो भी एक तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं, खुद भी बहते हैं और अपने आप को कहीं और छोड़ के आ जाते हैं, यानी कि जब वो बीच बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सी केव भी यही करती है, अपना जो है छोटा छोटा पार्ट कर देती है, उसके बाद भी उसे कहीं और डिपॉजिट ही कर देती है, अपने आप को खुद भी बहा देती है सी केव, क्योंकि उसके बाद क्या बच जाता है, सी आर्चेस बन जाते हैं सी केव के बाद, ठीक है। सो हमारा क्या नहीं है, बीचेस नहीं है, ठीक है। द डिपोशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज़ मोराइन, यानी कि जो ग्लेशियर का डिपोशनल फीचर्स है वो क्या है, फ्लूड प्लेन है, नहीं बीच है, नहीं हमारा है मोराइन, ठीक है। विच इज़ कॉज बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ प्लेन, ओके, तो ये है सडन मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, सॉरी, सो हमारा वॉल्केनो हो जाता है, क्योंकि अब फोल्डिंग तो सडन मूवमेंट नहीं हुआ ना फ्लूड प्लेन हुआ, क्योंकि उसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ओवरफ्लो होने में भी, ठीक है। वॉल्केनो इरप्शन है हमारा, जैसे अभी मैं आपको यहाँ बोलूँ कि वॉल्केनो इरप्शन क्या एक एक साल में बाहर निकलता है, एक एक साल में धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है, वॉल्केनो भी एकदम से फट जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑक्स बो लेक्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलती है, डिज़र्ट में, नहीं कहाँ मिलती है आप बताओ, यहाँ देखिए रिवर वैलीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है, रिवर वैलीज़ में आपको ऑक्स बो लेक मिलेंगी, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, मुड़ेगी मुड़ेगी, उसके बाद अपन छोटा सा पीस छोड़ देगी और सीधी होती रहेगी धीरे धीरे। आपने कभी ऐसे ऐसे लेक्स तो देखे होंगे, लेकिन बहुत कम होते हुए देखे होंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने आप को एक तरह से सीधा कर लेती है, ठीक है, और अपना छोटा छोटा पार्ट तोड़ने लग जाती है, धीरे धीरे छोटा छोटा बहने लगती है पतला पतला, उसके बाद वो अपने आप को पूरा ही सीधा कर लेती है, ठीक है। सो हमारा ऑक्स बो लेक आर फाउंड इन रिवर वैलीज, हाँ, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन कहाँ, डिज़र्ट, ठीक है। सो मैंने गलती से यहाँ डिज़र्ट कर दिया था और यहाँ रिवर वैली कर दिया था, सो उस पर ज़्यादा ध्यान देना मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन भी हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोविंग, ठीक है, मैच द फॉलोविंग में मैं आपको करके दिखा देती हूँ अभी। सो मैचअप्स में आपको बताना है कि क्या क्या किन किन चीज़ों से होती है, ठीक है। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होता है, यानी कि ग्लेशियर एक तरह का रिवर होता है जिसमें आइस ही आइस भरा रहता है, आपने देखा भी होगा कहीं फ़ोटोज़ वगैरह में, ठीक है। मेंडर्स क्या होते हैं, एक तरह के रिवर्स ही होते हैं, सॉरी ये मैसेज आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका बीचेस क्या होता है, सी शोर होते हैं, ठीक है। और वाटरफॉल क्या होती हैं, सी क्लिफ होती हैं। और हमारे अर्थक्वेक किससे क्या होते हैं, हमारे वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होते हैं, मैं आपको इसका भी आंसर बता देती हूँ, सैंड ड्यून्स का। तो सैंड ड्यून्स का आंसर है डेजर्ट, यहाँ पे मैंने थोड़ा एरो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, सैंड ड्यून्स का डेजर्ट होता है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गी रीजंस। सो हमारा अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, सो क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ एजेंट्स होते हैं जो इन रॉक्स को मशरूम की शेप दे देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप लिखिएगा एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशनल इन डिजर्ट्स इन वाइंड, ठीक है, इन वाइंड मेक्स द रॉक, रॉक लिखिए मैंने ओ लिख दिया, द मशरूम रॉक, मशरूम लिखिएगा यहाँ, द मशरूम रॉक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हमारा फ्लूड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, तो अब हमें इसका रीज़न देना है।
अब यहाँ पर ये पूछ रहा था कि सी वेव क्या नाम है फ्लूड प्लेन्स वेरी फर्टाइल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्यों वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि जब क्योंकि वो जो है अपने साथ जो रिवर होती है वो अपने साथ कुछ कुछ लेके जाती है, सेडिमेंट्स लेके जाती है और क्या क्या लेके जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाती है, उसके बाद उन्हें छोड़ देती है, ठीक है। इसलिए वो वेरी फर्टाइल होते हैं। जब भी फ्लूड जाते हैं तो रिवर क्या करती है, जब भी बाढ़ आती है तो कुछ कुछ इधर उधर फैल जाता है, तो रिवर क्या करती है उसे उठाती है, सेडिमेंट्स को उठाती है और फाइन सॉइल को उठाती है और क्या करती है डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हमारा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी केव्स आर टर्न इंटू स्टैक्स, ठीक है। उससे पहले शायद मैंने आपको ये आंसर करा दिया था, क्योंकि अभी फ्लूड प्लेन्स फर्टाइल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स टू अनदर प्लेस, ठीक है, अनदर प्लेस लिख दीजिएगा, मेरा आ नहीं पाया, ठीक है, अनदर प्लेस, दैट्स वाई दे आर वेरी फर्टाइल, ठीक है। सी केव्स आर टर्न इंटू स्टैक्स, ठीक है, इसका आंसर कर देते हैं अब हम। यहाँ पर आपको सी केव्स मिल जाएगा, देखिए ऊपर चलिएंगे हम। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ फिगर में एक समझाया था कि सी केव, पहले सी केव बनता है, फिर सी आर्चेस बनते हैं, फिर स्टैक बनता है। अब ये पूछ रहा है कि हमारा जो सी केव है वो स्टैक में कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, सो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ सी वेव्स दे बम्प एंड कट द सी केव टू सी आर्चेस एंड देन स्टैक, यानी कि जो सी वेव्स हैं वो टकराती हैं, बम्प का मतलब टकराना होता है एक तरह से, ठीक है। तो सी केव को काट कर क्या बना देती है, टकरा टकरा कर तोड़ तोड़ कर क्या बना देती है, सी आर्चेस, उसके बाद वो क्या बनाती है, स्टैक, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं कई बार ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। इसका आंसर अब हम करते हैं बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ बिल्डिंग कोलैप्स, यानी कि वाइब्रेशन अर्थ के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन होती है वो जब बाहर आ जाती है तो बिल्डिंग क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, यानी गिर पड़ जाती है, टूट टूट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक एक्टिविटी है जहाँ पर फोटोग्राफ्स दी गई हैं और आपको उनका फीचर बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या वो इरोशनल है, क्या वो डिपोशनल है, क्या वो दोनों है, ठीक है। ये सिर्फ एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए, आप अपनी एक्टिविटी नोटबुक या फिर किसी भी स्क्रैप फाइल में कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह का फॉर फन के लिए, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, जैसे किसी भी ड्राइंग फाइल में इसको ड्रॉ करके, ओके, ठीक है। चलिए, अब आज की था हमारा यही एक्सरसाइज थी हमारी आज की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।